सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, हुई मौत। बड़ी खबर पलामू से, जहां सीआरपीएफ जवान ने डाल्टनगंज की चियाके स्थित बटालियन मुख्यालय में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद साथी जवानों और अधिकारियों ने जवान को मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 112वें बटालियन मुख्यालय में प्रांजल नाथ नामक एक जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के चियाके स्थित बटालियन मुख्यालय की है। साथी जवानों ने बताया कि मृतक जवान प्रांजल नाथ 8 जुलाई को ही 2 महीने की छुट्टी लेकर घर लौटा था, जिसके बाद सोमवार सुबह करीब 4 बजे खुद को गोली मार ली। साथी जवानों और अधिकारियों ने प्रांजल को मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान प्रांजल नाथ असम राज्य के तेजपुर का रहने वाला था। घटना के बाद बटालियन के अधिकारियों ने उसके परिजनों को घटना के बारे में सूचना दी, जिसके बाद परिजन डाल्टनगंज के लिए रवाना हो गए। मृतक जवान बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराने वाले ऑपरेशन ऑक्टोपस का हिस्सा रह चुका है। मृतक जवान के साथ रहने वाले अन्य जवानों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं आत्महत्या से पहले जवान ने किसी को कुछ बताया था या किसी से कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई थी। हाँ, गायत्री गारमेंट्स मल्टी ब्रांडेड शोरूम, सभी प्रकार के जींस, शर्ट, बाबा सूट, कोट, पैंट, शेरवानी, लेडीज कुर्ती, प्लाजो, फैंसी गाउन सूट, क्रॉप टॉप एवं फैंसी मिडी का अनुपम संग्रह आर गुप्ता के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।